नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, सलेमपुर लोकसभा के मनियार इंटर कॉलेज परिसर में सीएम ने की अंतिम जनसभा। इंडिया टाइम्स संवाददाता सुराधे श्याम की खास रिपोर्ट। यूपी जिला बलिया में लोकसभा के अंतिम व सातवें चरण को आगामी 19 मई को होने वाले मतदान को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलेमपुर लोकसभा के मनियार इंटर कॉलेज परिसर में भाजपा प्रत्याशी सचिन कठुआ और पक्ष में विजय संकल्प जनसभा के दौरान उपस्थित हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम जब कांग्रेस की सरकार ने किया था, तब इसी धरती से बीजेपी आंदोलन के रूप में पूरे देश के अंदर एक अलग जगाने के साथ ही केंद्र की भ्रष्ट बयारी कांग्रेस सरकार को बागी बलिया के लोगों ने घुटने को टेकने मौजूद कर दिया था। तो जितने छोटे हुए किसान हैं, 5 एकड़ से ऊपर के भी किसानों के खाते में 6,000 रुपए की 2,000 की 3 किस्त साल भर में आना शुरू हो जाएगी। ये मोदी जी की सरकार है, भेद न भेदभाव नहीं करती है। जो लोग जाति के नाम पर आपको बांटते हैं, जो लोग मत और मजहब के आधार पर आपको बांटते हैं, उन लोगों ने भेदभाव किया, उन लोगों ने आपको मकान भी नहीं दिया, लेकिन जाति के आधार पर खाई पाट करके आपको, जाति के आधार पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप भी किया। लेकिन मोदी जी ने बिना जाति देखे 1.5 करोड़ लोगों को मकान दे दिया, बिना जाति देखे 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय दे दिया, बिना जाति देखे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा दी। इतना बड़ा कार्य मोदी जी ने किया, क्या कोई मोदी जी आवे और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें? माननीय महाराज, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विनोद शंकर दुबे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रविंद्र कुमार कुशवाहा जी, मान्य विधायकगण श्री संजय यावर जी, धनंजय कमोचिया जी, पूर्व मंत्री श्री राजधारी सिंह जी, पूर्व विधायक भगवान पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के निकालिए हमारे यहाँ के प्रभु की